अस्सलाम वालेकुम, शिरदत आहे हेयर फ्रॉम रियल स्कॉलर्स कॉलेज। आई होप यू गाइस आर फाइन। हमारा आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो गो थ्रू किया था। सबसे पहले देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स कौन सी प्रॉपर्टीज जिसमें भी इक्वल का साइन जो है वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ नंबर्स में जो है वो इक्वल टू का साइन जो है वो लाजमी इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, रिफ्लेक्सिव नेम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन, एक चीज़ को मिरर अप करें, इसकी बात हो रही है। कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर मीन्स अगर कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो वो अपने इक्वल होता है। मीन्स टू इज़ ऑलवेज इक्वल टू टू, ठीक है। हर नंबर जो है वो अपने इक्वल होता है, मींस जहाँ पे टू, कहीं पे भी टू के मतलब वो टू यूनिट्स ही होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई टू नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, अगर ए इक्वल है बी के तो बी भी लाजमी जो है वो ए के इक्वल होगा। सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांस मीन्स थ्री, तो इसमें थ्री नंबर्स इन्वॉल्व्ड हैं। अगर कोई थ्री नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए भी एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है, सी भी एक रियल नंबर है, और अगर ए इक्वल है बी के, एंड एंड के लिए ये साइन यूज़ होता है, एंड बी इक्वल है सी के, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए भी जो है वो सी के इक्वल होगा। सबने उसको इक्वेट कर दिया। इसी तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास एक कोई इक्वेशन है, मींस अगर ए इक्वल है बी के, अगर हम दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर हमने कोई एक नंबर दोनों पर, दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया, तो उसका इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मींस अगर ए इक्वल टू बी है तो हमने दोनों तरफ जो है वो एक सी नंबर ऐड कर दिया, तो इक्वालिटी साइन में कुछ भी जो है वो चेंज नहीं आएगा। हमारी इक्वेशन तब भी जो है वो ट्रू रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने देखा एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या था, दोनों साइड पे हमने कोई एक नंबर ऐड कर दिया, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे वो नेगेटिव नंबर है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कोई इक्वेशन है, ए इक्वल है बी के, हम दोनों साइड्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तब भी हमारी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, देन ए इंटू सी इज़ इक्वल टू बी इंटू सी। सी क्या है? सी एक रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मीन्स अगर देखें हमारे पास जो है वो हम ये काम वैसे इक्वेशंस में जो है वो करते आ रहे हैं, तो ये देखें, ये तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, हम दोनों साइड्स को किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी इक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं प्रॉपर्टीज, जब हमने प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज़ किए हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इनका रिवर्स है। मीन्स अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू वाई प्लस टू, दोनों साइड्स पे जो है वो अगर इक्वालिटी के दोनों साइड्स पर, लेफ्ट एंड राइट पर, कोई एक नंबर, सेम नंबर जो है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, ए बी एंड सी तीनों रियल नंबर्स हैं, अगर ए प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी, देखिए दोनों साइड पे सेम नंबर ही है ना, तो हम उनको दोनों साइड्स पर मतलब उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स ही है, उसमें दोनों साइड्स पर ऐड करे थे, इसमें हम दोनों साइड्स पर कैंसिल आउट करें। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें, अगर हमारे पास दोनों साइड्स पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको सिमिलरली कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो असल में कैंसिल आउट नहीं होता, हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं सेम नंबर से, बट आप इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। लेकिन सी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कैंसिलेशन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है, मीन्स एक तरह से डिवीजन है। तो अगर सी अगर ज़ीरो के इक्वल होगा, तो हम किसी भी
ऐसा नंबर ज़ीरो, ज़ीरो से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो कंडीशन ही होती है कि हमने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए वो तो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसी तरह से जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसमें जो हम दोनों तरफ कैंसिल आउट करें वो बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बट उसको आप कैंसिल आउट भी कह सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इक्वालिटी की। टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और फिर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव का एक तरह से इन्वर्स, जो कि है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो उनका आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। या तो वो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, या फर्स्ट ग्रेटर होगा सेकेंड से, या फर्स्ट स्मॉलर होगा सेकेंड से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो या तो ये दोनों इक्वल होंगे, अब इक्वल नहीं है तो या फर्स्ट वन जो है वो स्मॉलर होगा सेकंड वन से, या फर्स्ट वन ग्रेटर होगा सेकंड नंबर से। इसके अलावा कोई फोर्थ जो है वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी में भी थी, अब इनइक्वालिटी में भी है। ट्रांस मीन्स 3, उसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व थे इक्वालिटी साइन के साथ। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी में क्या थी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी में क्या है कि अगर ए ग्रेटर है बी से, अगर ए नंबर जो है वो ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो ए भी ऑटोमेटिकली सी से ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर ए जो है वो स्मॉलर है बी से एंड बी इज़ स्मॉलर देन सी, तो ए सी से भी जो है वो लेस होगा। ठीक है, इसी एडिटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी की तरह ही है, जैसे हमने इक्वालिटी में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो दोनों साइड पे हम कोई नंबर ऐड कर दें, चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है, उसका इनइक्वालिटी पर के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसी तरह से अगर ए जो है वो लेस देन बी है, अगर हम दोनों साइड्स पे कोई नंबर ऐड कर दें चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो ए साइड जो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो स्मॉलर ही रहेगी बी साइड से, क्योंकि हम जो है वो इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। एडिटिव प्रॉपर्टी कोई भी देखें, अगर हमारे पास ए बी से ग्रेटर है एंड सी जो है वो डी से ग्रेटर है, ठीक है, दो आपके पास जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ हैं, ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन सी है, तो अगर आप ग्रेटर साइड्स को ऐड कर दो और जो स्मॉलर वाली साइड्स हैं उन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो वही रहेगी। ठीक है, लेकिन ग्रेटर साइड्स ऐड हुई तो वो स्मॉल तो नहीं हो सकती ना। अब ए यहाँ पे ग्रेटर है, सी यहाँ पे सेकंड वाली इनइक्वालिटी में ग्रेटर है, तो ए प्लस सी भी जो है वो बी प्लस डी से ग्रेटर ही होगा। इसी तरह से अगर ए जो है वो स्मॉलर है बी से, सी स्मॉलर देन डी, देन ए प्लस सी, अगर हम स्मॉलर वाली साइड्स को ऐड कर दें और जो ग्रेटर वाली साइड्स को ऐड कर दें, तो हमारे पास इनइक्वालिटी वही रहेगी, क्योंकि स्मॉलर साइड जो है वो ऐड अप भी हो जाए तो वो जो ग्रेटर साइड्स हैं उनसे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक इनइक्वालिटी ये है, दूसरी इनइक्वालिटी है 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो आप इनकी लेफ्ट साइड्स को ऐड किया तो वो 7 आया, राइट साइड्स को ऐड किया तो वो 5 आया, तो तब भी हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर ही रहेगी, मीन्स इनइक्वालिटी हमारी जो है वो चेंज नहीं होगी। यही प्रॉपर्टी जो है वो जो हमारे पास लेस देन वाले साइन के लिए भी ट्रू है, जो कि मैंने ये बी के फर्स्ट पार्ट में। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो साइड जो हमारे पास नंबर्स हैं ए बी एंड सी, अगर ये तीनों रियल नंबर्स हैं सॉरी, तो ए ग्रेटर देन बी अगर है, तो अगर सी पॉजिटिव नंबर है, अगर हम दोनों साइड्स पे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनइक्वालिटी जो है वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे और इसी तरह से अगर आप चाहे उसको, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है,
सी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो तब भी हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर देन राइट साइड है। इसी की जो सेकंड है, अगर हमारे पास ए लेस देन बी है, हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तब भी इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर ग्रेटर है इन नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये लेस देन साइन में चली गई। ठीक है, अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर है 5 greater than 4 है, मैंने अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही -2 से, तो ये -10 हो गया और ये -8 हो गया। तो देखें अब ये ग्रेटर नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो नंबर उतना ही स्मॉलर होता है, तो ये साइन ग्रेटर नहीं आएगा बल्कि ये जो है ये स्मॉलर आएगा, हमारी जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज अगर मैंने लिखा 1 जो है वो ग्रेटर लेस देन 5 है, मैं इसको किसी नेगेटिव नंबर से, सपोज मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो -1 -5, अब आप देखें ये -1 जो है ये ग्रेटर है, -5 स्मॉलर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो नंबर उतना स्मॉलर होता है, तो आपके पास जो है वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। सॉरी, अब मल्टीप्लिकेटिव की दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एक और क्या है कि अगर हमारे पास कोई 4 नंबर्स हैं, 4 के 4 रियल नंबर्स हैं, ए ग्रेटर है बी से, सी ग्रेटर है डी से, तो ग्रेटर वाली साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो वो तब ग्रेटर ही होगी स्मॉलर वाली साइड्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 greater than 4 and 2 greater than 1, आप ग्रेटर साइड्स का प्रोडक्ट लें तो वो 10 है, स्मॉलर साइड्स का प्रोडक्ट लें तो वो 4 है, तो तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा। यही चीज़ जो है वो लेस देन साइन के लिए भी है कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी है, अगर आप स्मॉलर साइड्स का प्रोडक्ट लें तो वो ग्रेटर साइड्स के प्रोडक्ट से स्मॉल ही रहेगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, आप लोग इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से गो थ्रू करिए, इनमें कोई भी इशू है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बीइंग अ मैथ स्टूडेंट रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी इशू हुआ तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।